कद इस फुल ते कद उस फुल ते यार मेरा तितली वरेगा, यार मेरा तितली वरेगा। है जाने वो कौन सा नशा करता है, यार तेरा हर एक से वफा करता है। कैसे भाई है साठे नाले रहोगे तो ऐशी करोगे, जिंदगी दे सारे मजे कैशी करोगे, जिंदगी दे सारे मजे कैशी करोगे। नशा ये प्यार का नशा है, ये बात मेरी मानो, नशे में यार भूल जाओ, रहोगे होश में दीवानो। नशा ये प्यार का नशा है। ऐसे ही, ऐसे ही जुबैर खान नाम नहीं है मेरा। जहां जहां त्रिपाली कश्मीर में नहीं, पूरी दुनिया में जहां तनाव होगा वहां जुबैर खान होगा, क्योंकि अपना हो या कोई खैर किसी की नहीं खैर, मुझे कहते हैं जुबैर। बेरोजगारी नौकरी छोकरी, जब ऐसी टेंशन हो तो जुबैर को जरूर याद करना। जुबैर खान नाम है मेरा, जुबैर खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम पोस्ट, कश्मीर की सबसे तेज चैनल। तो आज हम आपको रूबरू कराएंगे उस इंसान से जिसकी काम से आप बड़े अच्छे से वाकिफ है, लेकिन अभी उनके नाम आपको अच्छे से पता नहीं। तो आज का जो कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पे, ये जहर क्यों, वो इसी जहर का ट्रक इसका बेताज बादशाह है जुबैर खान। गिव अ बिग हैंड। शुक्रिया शुक्रिया, मुझे यहां स्टूडियो में बुलाने के लिए शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया। पूछिए क्या सवाल पूछना चाहती है जनता जुबैर खान से। सबसे पहले जुबैर साहब, आपका खैर है, ऐसा स्वागत मेरा अक्सर होता है। जैसे जुबैर साहब कहते हैं, हर कामयाब इंसान के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है। बिल्कुल। तो आपके इस कामयाबी में किन लोगों का सहयोग है? कश्मीर की आवाम का, ये बोली भाली आवाम का। यहां मेरे लिए काम करना और भी आसान हो जाता है, क्योंकि ये जो बोली भाली आवाम है ना, ये देखकर भी सब कुछ अनदेखा करती है, तो मैं शुक्रगुजार हूं ऐसी आवाम का। पूछो। और एक सवाल मैं सब आपसे पूछना चाहते हैं। कि हर बिजनेसमैन का जब भी वो अपना कारोबार करता है, अपना तिजारत करता है, तो बड़ी मुश्किलों से गुजरना पड़ता है, तो आपको इस कारोबार में किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा? आए दिन हमारी पुलिस के साथ जो मुठभेड़ होती है उससे मैं काफी तंग हूं, क्योंकि हमारे बीच कुछ गद्दार हमारा मान पुलवामा राम लवर मोटा काजीगढ़ 500 ऐसी जगह पर पकड़वाते हैं, लेकिन ये भूल चुके हैं कि हम पर नकेल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास पब्लिक का सपोर्ट है। पब्लिक, ये पब्लिक है, सब जानती है पब्लिक है। सपना तो हर कोई देखता है, और हर इंसान का कोई ना कोई सपना होता है। जुबैर का भी सपना है। कौन सा सपना है आपका जुबैर साहब? चांद तारे मैं तोड़ लाऊं, सारी दुनिया भर मचाऊं, बस इतना सा ख्वाब है, और मेरा ख्वाब है मेरा परिवार। आप मेरे परिवार। तो इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज कि लोगों के घर उजाड़ने वाले का भी एक परिवार है, तो आइए जानते हैं इसके परिवार में कौन कौन है। जी मेरे परिवार में मेरा बड़ा बेटा अफीम चौधरी, जो दुबई में सेटल है और वहां अपना बिजनेस कर रहा है।
मेरी बेटी, मेरी लाडली बेटी पंजाब में है, प्यार से उसे लोग भूकी कहते हैं, भूकी। और मेरा छोटा बेटा चिट्टा सिंह, जिसे कश्मीर के लोग चिट्टा चिट्टू कहकर पुकारते हैं, इन गलियों में आम है, बहुत प्यार देते हैं यहाँ के लोग उसे। खान साहब, रोकना चाहता हूँ आपको। आप खान और आपका परिवार सिंह शर्मा चौधरी, क्या धर्म है आपका? जी, ये दीन धर्म की बातें, ये जात पात की बातें तो ये आम जैसे लोग करते हैं। ये यहाँ ये जो बैठे हैं लोग, ये करते हैं ऐसी बातें। जो बिजनेस करता है वो इन बातों पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि मेरे लिए मेरे ये कस्टमर ही मेरा भगवान है, मेरा खुदा है। क्या मिलता है इसमें सब आपको ये सब करके? क्या आपको खुदा का भी खौफ नहीं है? खुदा का खौफ? क्या आपने कभी खुदा को देखा है? नहीं, मैंने भी नहीं देखा। जब मुलाकात होगी तो पूछ लेंगे। आप अपना अगला सवाल। इसका मतलब आपको किसी का डर नहीं? मैंने ऐसा कब कहा कि मुझे डर नहीं? डर तो होना चाहिए, डर के आगे ही जीत है। तो इसका मतलब आपको डर लगता है? हाँ, मुझे डर है, मुझे डर है इन कलाकारों से, इन फनकारों से। हाँ, जो ऐसे प्रोग्राम वादी कश्मीर में क्या और दुनिया के हर किस्से में कराते हैं, हर किस्से में कराते हैं, और इन्हीं फनकारों की बात जो है साला पब्लिक के बेजे में घुसती है, डायरेक्ट घर घर जाती है। और इसीलिए मैं वादी कश्मीर में ऐसे कार्यक्रम होने नहीं दूंगा। और एक न्यूज हमारे सामने आ रही है कि लोगों को डराने वाला का भी कोई किसी चीज से डर लगता है। आखिर आपको किस चीज से डर लगता है? कलाकारों से, कहा मैंने कलाकारों से, मुझे कलाकारों और फनकारों से डर लगता है। जानते हो ये सरकार, ये लोग क्या देते हैं इन्हें? ये मासूम कौन सी डिग्री नहीं है इसके पास, नहीं है तो नौकरी, किसी को छोकरी की टेंशन, तनाव है इनके पास। लेकिन जुबैर खान इन्हें देता है सुकून, सुकून देता है। जुबैर साहब, क्या मिलता है आपको ये सब करके? क्या आपको ये मासूम चेहरे दिखते नहीं है? क्यों इनसे इनकी खुशियां छीनना चाहते हैं आप? छीनता मैं नहीं, छीनते तो इनके ये घर वाले हैं, ये लोग हैं, ये आवाम है, ये सोसाइटी है। आप जुबैर खान के पीछे क्यों पड़े हैं? क्या इन लोगों का अंधापन आपको दिखाई नहीं देता? क्या इन्हें नहीं मालूम? क्या आपको नहीं मालूम आपकी गलियों में क्या चलता है? क्या आपको नहीं पता कि आपके मोहल्ले में कोचे में क्या चलता है? तो फिर इस जुबैर खान से हसद क्यों? जुबैर साहब, इतिहास गवाह है कि बुराई में हमेशा अच्छाई की जीत रही है। अरे ये बुराई और अच्छाई, ये मीडिया वाले कब से बुराई और अच्छाई की, ये तो इतिहास के पन्ने हैं। मेरे जीती जाती मिसाल है तुम्हारे पास? कोई मेरे पास एक ऐसी जीती जाती मिसाल है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। दिखाओ, आज दिया गाओ, इसको जानते हैं ये कौन है? हाँ, इन लोगों की तरह एक आम इंसान, शायद तनाव से भरा होगा। है ये इंसान तो है लेकिन आम नहीं, लोग इसे नाबीना कहते हैं। लेकिन मैं मानता हूं नाबीना तो मैं हूं, तुम हो, ये सब है जो सब देख के भी अनदेखा करती है। नाबीना तो ये लोग हैं जो आपकी बातों में आके आप इनको वर्ग लाते हैं। लेकिन ये इश्तियां, ये लोग, इनको खुदा का खौफ भी नहीं है, ये डर जाते हैं आपकी बातों से। लेकिन जिन्हें खुदा याद होता है, जिन्हें खुदा याद होता है, वो तुझसे नाराज नहीं, जिंदगी हैरान हूँ।